क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू ई 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इंटू dx को फाइंड आउट करना है, और इसको हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले के जरिए कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x हो इंटू यहाँ पर कोई भी फंक्शन और उसी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव प्लस हो रहा हो तो इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर e टू द पावर x होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 2x मौजूद है, तो हम 2x को सिंपल किसी भी वेरिएबल में चेंज कर लेंगे और उसको बाय सब्स्टिट्यूशन हम चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू यहाँ पर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो 4x को हम 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू dx। यहाँ पर भी 2x, यहाँ पर भी 2x, यहाँ पर भी 2x, तो अभी हम लेट कर लेंगे कि लेट u इज इक्वल टू 2x, और अभी हम इसी का डेरिवेटिव भी निकालेंगे, तो du by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 2x। इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि d by dx ऑफ x बराबर है 1 के, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर du डिवाइडेड बाय dx। और हमें इन स्टेपों में से dx की वैल्यू को निकालना है, तो अभी हम dx को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे और 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास आ जाएगा du डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू dx, यानी इन दो का जगह शिफ्ट होगा, तो dx हमारे पास du डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गया है। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, तो अभी हम लिखेंगे थस इक्वेशन 1 बिकम्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर u इंटू u माइनस 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू du डिवाइडेड बाय 2। इस 2x की जगह u, इस 2x की जगह u, इस 2x की जगह u, और इस 2x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये तो फिर यहाँ पर u स्क्वायर आ जाएगा, और dx की जगह du डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हम 2 को इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर u। यहाँ पर हम इस u स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू du। और अभी हम यहाँ से इस फार्मूले को इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे, और हम f ऑफ x को लेट कर लेंगे इस टर्म के बराबर, और अगर हम इसको कैंसिल कर ले तो u ऊपर से एक और नीचे से एक कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर u इंटू 1 डिवाइडेड बाय u माइनस 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू du। और अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और लेट कर लेंगे कि लेट हमारे पास f ऑफ x या फिर f ऑफ u बराबर है 1 डिवाइडेड बाय u के, और अभी हम इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे कि आया उसका आंसर ये चीज़ आएगा या नहीं। तो d बाय du ऑफ f ऑफ u इज इक्वल टू d बाय du ऑफ, अगर हम इस u को ऊपर शिफ्ट कर ले तो ये u टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास d बाय du ऑफ f ऑफ u, हमारे पास f डैश ऑफ u आ जाएगा इज इक्वल टू d by du of u to the power minus 1 आ जाएगा minus 1 into u to the power minus 1 minus 1, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर d by dx of x to the power n हो तो इसका आंसर आ जाएगा n x to the power n minus 1, यहाँ पर n की जगह minus 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे minus 1 और इस n की जगह भी minus 1, तो हमारे पास f dash of u is equal to minus 1 यहाँ पर u टू द पावर माइनस 2, और f डैश ऑफ u इज इक्वल टू, अभी हम u टू द पावर माइनस 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे ताकि उसका पावर प्लस 2 में चेंज हो जाए, तो अभी हमारे पास f डैश ऑफ u इसके बराबर आ गया है।
तो थस इक्वेशन टू बिकम्स हमारे पास इक्वेशन टू किस चीज के बराबर था, इक्वेशन टू बराबर था इस लाइन के, तो आई इज इक्वल टू सबसे पहले वन डिवाइडेड बाय टू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर यू आ जाएगा वैसे ही, और यहाँ पर वन डिवाइडेड बाय यू की जगह एफ ऑफ यू आ जाएगा क्योंकि हमने इसको लेट किया, क्योंकि हमने वन बाय यू को एफ ऑफ यू के बराबर लेट किया हुआ था, तो एफ ऑफ यू, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और ये माइनस वन डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर बराबर है एफ डैश ऑफ यू के, एफ डैश ऑफ यू बराबर है माइनस वन डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर के, तो इसकी जगह आ जाएगा एफ डैश ऑफ यू इसकी जगह इनटू डी यू। अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो इसी फार्मूले के शक्ल में आ गया है, तो अभी हम एक बार यहाँ फिर से फार्मूले को लिखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर यू इनटू, या फिर यहाँ पर एक्स ले ले और यहाँ पर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो इसका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स, तो आई इज इक्वल टू वन बाय टू वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इस चीज़ का आंसर आ जाएगा सिर्फ इस चीज़ के बराबर, तो ई टू द पावर यू इनटू एफ ऑफ यू, और यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन साइन आएगा नहीं क्योंकि फार्मूले के मुताबिक इसका आंसर ये चीज़ आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस सी बी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू, यहाँ पर ई टू द पावर यू था तो यू की जगह हम टू एक्स लिखेंगे क्योंकि हमारे पास u इज इक्वल टू टू एक्स हमने लेट किया हुआ था, इसको हमने क्वेश्चन के शुरू में लेट किया हुआ था, तो अभी हम u की जगह टू एक्स पुट कर लेंगे, u की जगह टू एक्स, और यहाँ पर f ऑफ u है, f ऑफ u को हमने वन डिवाइडेड बाय u के बराबर लेट किया हुआ था, तो यहाँ पर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय u प्लस c इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू ई टू द पावर टू एक्स इन टू वन डिवाइडेड बाई यू की जगह फिर से टू एक्स आ जाएगा क्योंकि यू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर अभी हम इस टू और इस टू को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास नीचे आ जाएगा फोर एक्स और ऊपर वन इन टू ई टू द पावर टू एक्स आ जाएगा ई टू द पावर टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इनटू सीकेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट एक्स इनटू डीएक्स को फाइंड आउट करना है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूले की मदद से कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स प्लस हो रहा हो तो इसका आंसर आ जाएगा e to the power x into f of x plus constant c। तो यहाँ पर हम f of x को लेट करेंगे log of secant x plus tangent x के बराबर, तो जब हम इसको f of x के बराबर लेट करेंगे तो हमें क्वेश्चन को तरतीब देना होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे i is equal to integration of e to the power x फिर ब्रैकेट में पहले log of secant x प्लस टेंजेंट एक्स और प्लस सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स, और इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम देंगे, और अभी यहाँ पर हम लेट करेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स बराबर हो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और हमारे पास अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और हमारे पास अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स हो तो इसका आंसर वन डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा
चूँकि यहाँ पर x की जगह secant x प्लस tangent x है, तो हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय secant x प्लस tangent x ऐसे। और अभी हमने log को सॉल्व कर लिया है, अभी इंटरनल फंक्शन की बारी है, तो हमारे पास इंटरनल फंक्शन यही secant प्लस tangent ही है, तो हम लिखेंगे d by dx of secant x प्लस tangent x। और d by dx of f of x हमारे पास f dash of x आ जाएगा या फिर f prime of x। और यहाँ पर d by dx of secant x बराबर है secant x into tangent x के बराबर, और प्लस d by dx of tangent x हमारे पास बराबर है secant square x के बराबर, और नीचे हमारे पास secant x प्लस tangent x है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर d by dx of secant x हो तो इसका आंसर secant x into tangent x आ जाएगा, और अगर d by dx of tangent x हो तो इसका आंसर secant square x आ जाएगा। और हमने इन दोनों के आंसर को जो कि ये दो थे उन दोनों को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया है ताकि उनको इस तरीके से लिखा जा सके। अभी हम ऊपर से secant x को कामन लेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से सिर्फ tangent x, और यहाँ से एक secant x बच जाएगा, और नीचे हमारे पास secant x प्लस tangent x है। और चूंकि ये दो टर्म आपस में सेम हैं, दोनों के साइन सेम हैं, और दोनों टर्म बिल्कुल सेम हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर हमारे पास लास्ट में सिर्फ secant x आ जाएगा, यानी f डैश ऑफ x बराबर है secant x के, और secant x हमारे पास ये चीज़ है। तो थस इक्वेशन 1 बिकम्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, फिर ब्रैकेट में हमारे पास log ऑफ secant x प्लस tangent x था, इसकी जगह जगह f ऑफ x क्योंकि हमने इसको f ऑफ x के बराबर लेट किया हुआ था, तो f ऑफ x, उसके बाद प्लस secant x की जगह f prime ऑफ x या f dash ऑफ x आ जाएगा जो कि f ऑफ x का डेरिवेटिव है इनटू dx। और अभी हम इस पर इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x हो तो इसका आंसर e टू द पावर x इनटू f ऑफ x आ जाएगा। तो अभी हम इस चीज़ की जगह लिखेंगे e टू द पावर x इनटू f ऑफ x, और यहाँ पर प्लस कॉन्स्टेंट c क्योंकि इंटीग्रेशन साइन फिलहाल ख़त्म। तो अभी हम e टू द पावर x को वैसे ही और f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यू को पुट कर लेंगे जो कि log ऑफ secant प्लस tangent x है, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ secant x प्लस tangent x प्लस constant c, यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें हमें x इंटू कोसाइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx को इंटीग्रेट करना है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, जिसमें हमें इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और लेट करेंगे कि u इज़ इक्वल टू कोसाइन इनवर्स x। u हमारे पास कोसाइन इनवर्स x के बराबर, और हमें यहाँ से x की वैल्यू को भी निकालना है, तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, अगर हम कोसाइन को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो कोसाइन ऑफ u आ जाएगा इज़ इक्वल टू x, यानी कोसाइन इनवर्स जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो फिर वो हमारे पास सिर्फ कोसाइन आ जाएगा। और अगर हम इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर ले यानी कि d by dx of u is equal to d by dx of cosine inverse x, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर माइनस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
क्योंकि हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन इनवर्स एक्स बराबर है माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के, और इस साइड पर हमारे पास डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहाँ से हमें इस डी एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से इस माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे और डी एक्स को राइट हैंड साइड पर। तो हमारे पास डी यू या फिर माइनस डी यू इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की कीमत है। तो अभी हम दस इक्वेशन वन बिकम्स दस इक्वेशन वन बिकम्स अभी हम सबसे पहले इक्वेशन वन को इस शक्ल में लिखेंगे कि आई इज इक्वल टू हमारे पास एक्स है इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर हमारे पास कोसाइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाय इस चीज़ को हम इस चीज़ के नीचे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को डी एक्स के नीचे लिखेंगे। तो फिर अभी हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। सबसे पहले एक्स की कीमत क्या है, एक्स की कीमत कोसाइन ऑफ यू है, क्योंकि अगर हमने u को कोसाइन इनवर्स x के बराबर लेट किया हुआ था तो अगर हम कोसाइन को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो x की कीमत कोसाइन ऑफ u आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोसाइन ऑफ u, और ये चीज़ हमारे पास कोसाइन इनवर्स x ये खुद बराबर है u के, तो इसकी जगह आ जाएगा u, और यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इसकी जगह माइनस डी यू आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ माइनस डी यू के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी यू। अभी इस चीज़ को हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ से हम इस माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे इस इंटीग्रेशन साइन के लेफ्ट साइड पर, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और अभी हम इस चीज़ को तरतीब से लिखेंगे। तो हमारे पास तरतीब ये होगा कि सबसे पहले यू, उसके बाद कोसाइन ऑफ यू आ जाएगा इंटू डी यू, क्योंकि हमारे पास आइलेट रूल के मुताबिक सबसे पहले अलजब्रैक फंक्शन आ जाएगा यानी कि यू, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि कोसाइन ऑफ यू है। और यहाँ पर अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ मल्टीप्लाई बाय फंक्शन जी हो तो इसका आंसर आ जाएगा फंक्शन एफ इंटीग्रेशन ऑफ जी फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ यानी के डेरिवेटिव ऑफ एफ और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी इस चीज़ के बराबर। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ यू के बराबर और फंक्शन जी कोसाइन ऑफ यू के बराबर है, तो इस साइड पर हम एफ और जी की जगह इन दो को पुट कर लेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस पर ब्रैकेट, और अभी इसी फार्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले एफ की जगह आ जाएगा यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी की जगह कोसाइन ऑफ यू इंटू डी यू फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ यहाँ पर एक्स की जगह यू आ जाएगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर यू इस्तेमाल हो रहा है। तो डी बाई डी यू ऑफ यू एफ की जगह यू आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी की जगह कोसाइन ऑफ यू इंटू डी यू ये चीज़ इज इक्वल टू अभी हम अगर इस माइनस साइन को अभी आ जाएगा माइनस यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन यू हमारे पास माइनस साइन ऑफ यू आ जाएगा क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन यू प्लस साइन यू आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स बराबर है साइन एक्स के फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी यू ऑफ यू इसका आंसर आ जाएगा वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन यू आ जाएगा साइन यू इंटू डी यू। अभी हम इस माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस इंटू यू आ जाएगा माइनस यू इंटू साइन ऑफ यू फिर माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू इंटू डी यू। और हमारे पास अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसाइन एक्स, तो इज इक्वल टू यू साइन ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू आ जाएगा माइनस कोसाइन यू। और यहाँ पर हम प्लस सी भी लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन साइन ख़त्म। तो अभी हमारे पास आई इज इक्वल टू माइनस यू इंटू साइन ऑफ यू प्लस, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस का आंसर आ जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ यू प्लस सी। और अभी हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले यू की कीमत, हमें पता है कि यू को हमने कोसाइन इनवर्स एक्स के बराबर लेट किया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन के शुरू से u इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ x। और उसके बाद हमारे पास साइन ऑफ u का कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से कि हमारे पास अगर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वेयर थीटा हो तो इसका आंसर आ जाएगा वन, या फिर अगर हम कोसाइन को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोसाइन स्क्वेयर थीटा। और अगर हम दोनों साइडों पर स्क्वेयर रूट ले ले तो हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस कोसाइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर स्क्वेयर और स्क्वेयर कैंसिल तो साइन थीटा बराबर है स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस कोसाइन थीटा स्क्वेयर के, यानी साइन थीटा इस चीज़ के बराबर है। तो इस अभी हम लिख सकते हैं कि साइन u इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस कोसाइन स्क्वेयर u। यहाँ पर हमने सिर्फ थीटा की जगह u पुट कर लिया है। और यहाँ पर साइन u इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस, हमारे पास यहाँ पर कोसाइन स्क्वेयर u है जबकि सिर्फ कोसाइन यू बराबर है एक्स के, हमने यहाँ पर एक्स कोसाइन यू की वैल्यू को एक्स के बराबर फाइंड आउट किया था कि अगर यू इज़ इक्वल टू कोसाइन इनवर्स एक्स, अगर हम कोसाइन को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो कोसाइन यू इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यानी कि हम अभी कोसाइन यू की जगह एक्स लिखेंगे। और चूँकि यहाँ पर कोसाइन के ऊपर स्क्वेयर है तो इधर भी एक्स के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास कोसाइन ऑफ यू, हमें पता है कि कोसाइन ऑफ यू बराबर है एक्स के, अभी हमने यहाँ से देखा। तो अभी हम इस कीमत और इस कीमत को इस लाइन में पुट कर लेंगे। दस आई इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा माइनस यू की जगह कोसाइन इनवर्स एक्स, तो कोसाइन इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद साइन यू की जगह स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। और उसके बाद माइनस माइनस कोसाइन यू की जगह आ जाएगा एक्स एक्स, और उसके बाद प्लस सी, यही हमारे पास आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सब्सटीट्यूशन या यू सब्सटीट्यूशन भी यूज़ किया है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी।